खबर डिंडौरी से है, जहां पिछले 3 दिनों से शीतलहर जारी है, जिसमें आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। डिंडौरी में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है। गाड़ियों और मैदानों में बर्फ चादर बिछ गई है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। सुबह सुबह नर्मदा नदी के किनारे खड़े ऑटो कार की छत में बर्फ की परत जम चुकी है। ठंड से बचने के लिए परिक्रमा करने वाले आग का सहारा ले रहे हैं। स्थानीय हरिहर पराशर बताते हैं कि पिछले 3 दिनों से जारी शीतलहर में आम जनजीवन प्रभावित किया है। मॉर्निंग वॉक में निकलने वाले लोगों की संख्या काफी कम है। लोग अपने घरों में ही रहना पसंद कर रहे हैं। खुले मैदान में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। बस स्टैंड में यात्रियों का इंतजार कर रहे बस एजेंट राकेश तिवारी ने बताया कि पिछले 3 दिनों से बसों में यात्री बहुत ही कम आ रहे हैं, जिससे व्यवसाय में नुकसान हो रहा है। बसें खाली जा रही हैं। ठंड का असर हमारे बिजनेस में पड़ रहा है। हाड़ कांपने वाली ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने कक्षा 1 से 5 तक सभी शासकीय अशासकीय विद्यालयों में 7 जनवरी तक छुट्टी घोषित कर दी है। 6 से 12 तक सभी शासकीय व अशासकीय विद्यालयों का समय सुबह 10:30 बजे से 4:30 बजे तक कर दिया है। आंगनवाड़ी केंद्रों के खुलने का समय भी 11 बजे से 2 बजे तक कर दिया है। अर्धवार्षिक परीक्षाएं सुबह 8 बजे की बजाय 9 बजे की जा रही है। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888599 पर।